अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर कोर्स का। कंप्यूटर कोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कोर्स में हमने सीखना क्या क्या है। आउटलाइन ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी मैंने। कंप्यूटर कोर्स ही हमारा एक शॉर्ट कोर्स है जिसके अंदर जस्ट हम जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें ना वही सीखेंगे, जिसमें कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह होगी, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, और विंडोज़ इंस्टॉलेशन क्या होती है वो सारा कुछ। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर तीन यूज़ करेंगे, एमएस वर्ल्ड हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ये तीन। एमएस वर्ल्ड में हम असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, उसके तमाम टूल्स को देखेंगे। उसके बाद पावर पॉइंट पर हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, क्लासेस जो प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन होती हैं, किसी भी अपनी क्लास में प्रेजेंट करना हो हमने अपना लेक्चर, तो जैसे ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है उसी पर बनाई हुई है पीपीटी पे, ठीक है, पावर पॉइंट पे, तो कितनी प्यारी सी बनी हुई है आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से हो गया। उसके बाद एक्सेल पे हम डेटा एंट्री करते हैं। एक्सेल बहुत वसी है, अगर हम उसका अकेला कोर्स, डेटा एंट्री का हमेशा वैसे सेपरेट कोर्स होता है, लेकिन हमने इसको सिंपल बेसिक बेसिक एक्सेल का बताएंगे, और जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होती हैं चीज़ें वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो आप लोगों ने सबने अच्छे से सुनना है, कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने हैंड रेज करना है, किसी ने माइक को अनम्यूट नहीं करना, सबके माइक म्यूट होने चाहिए, कैमरे भी म्यूट होने चाहिए। किसी को कोई भी आवाज़ का इशू हो आप लोगों ने जस्ट हैंड रेज करके इनकॉल मैसेज कर देना, मैं इनकॉल मैसेज देख लूँगा। कहीं पर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आपने इनकॉल मैसेज करना है, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला रहमानी है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मेरे पास स्किल थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी। 2021 में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ से, गवर्नमेंट से मैंने की है। 3 मंथ का ये डिप्लोमा था, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने करवाया था मुल्तान कैंपस में, तो मैंने वहीं से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। और दूसरी बात, कंप्यूटर कोर्स ये भी मैंने ऑनलाइन ही किया था, ये मेरे एक दोस्त हैं उनके सर थे, तो फिर मेरे भी सर बन गए, तो ईशान भाई से मैंने उनसे, तो फ्रेंडली था हमारा, तो इस वजह से उनसे मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखा है। और इसका डिप्लोमा, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है 6 मंथ वाला, और एक 1 साल का होता है, एक 6 मंथ का होता है, तो एक 3 मंथ का भी होता है, तो 6 मंथ का मेरे पास इसका है। बाकी जो इसमें एक्सपर्टीज है वो 2 to 3 years की है, क्योंकि 2 years तकरीबन मुझे इस पे वर्क करते हुए हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज के असाइनमेंट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, डेटा एंट्री करना, ये सारा कुछ मुझे 2 साल हो गए हैं करते हुए, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी तकरीबन मेरा 2 से 3 साल का है एक्सपर्ट, क्योंकि 2021 में मैंने सीखा था, वह तभी से मैंने ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट कर दी थी, तो आई थिंक उसका भी 2 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स बैच 3 में मैंने आपको आउटलाइन बता दी है। विंडो इंस्टॉलेशन हम देखेंगे, विंडो 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप में, विंडो 8 कैसे करते हैं, 10 कैसे करते हैं, 10 प्रो कैसे करते हैं, 11 कैसे करते हैं। मेरा इरादा है कि जस्ट आपको 2 या 3 विंडो इंस्टॉल कर बता दूं, बाकी क्योंकि जो आजकल लैपटॉप आप लोग परचेज कर रहे हो वहाँ पे विंडो 10 ही ज़्यादा चल रही है। मेरे लैपटॉप में विंडो 10 प्रो है, तो विंडो 10 प्रो में एक तो प्राइवेसी बहुत अच्छी है, उसके बाद इसकी सेटिंग्स बहुत ईजी हैं, कंट्रोल पैनल इसका बहुत आसान है, तो इसमें जो सेटिंग्स वगैरह ना वो बहुत ईजी हैं, आप ईजिली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में जस्ट कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, कल से हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे, आज हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं कंप्यूटर का कोर्स करवाते हैं, तो वो हमें कंप्यूटर्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताते, वो जस्ट डायरेक्ट एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस स्टार्ट करवाते हैं और कोर्स करवा के इनके फ्री कर देते हैं। हमारा ये है कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता ही एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जो सोशल वर्किंग कर रही है, स्टूडेंट की हेल्प आउट कर रही है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, एडमिशन में, करियर काउंसलिंग में, और ये स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत रोल किरदार अदा कर रही है। ये हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या चीज़ होती है? एक डिवाइस होती है जो जिसको हम कोई डेटा प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेशन ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। मेरे पास ये हार्डवेयर है, की बोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइसेस जो होती है, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये हमारे सारे हार्डवेयर है। तो हम हार्डवेयर के जरिए या सॉफ्टवेयर के जरिए कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, तो वो उसे प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देते हैं, ये हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं वो मेन 2 होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो
हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो फिजिकली हमें नज़र आ रहा होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम टच नहीं कर सकते, वो एक प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो ये मशीनरी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये की बोर्ड हो गया, CPU हो गया, ये मोनिटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन, माउस, ये चिप होगी, ये हमारे पास CPU की चिप है, ये प्रिंटर है, ये सारे हार्डवेयर है हमारे पास। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी, जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर है। मुझे पता है ये आप लोगों को सब पता है, मीन के आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं सब लोग, तो कंप्यूटर के बारे में आप मुझसे शायद कुछ बेहतर भी जानते हो जो IT की फील्ड से रहते हैं, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री का हूँ ना, तो ये तो एक स्किल है मेरे पास, और तो इस वजह से इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। हमने IT पढ़ी भी हुई है, तो इसलिए अगर कोई कहीं से मिस्टेक हो तो आप लोगों ने पॉइंट आउट कर देनी है। वैसे आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि हमने भी IT का कोर्स पढ़ा हुआ है एक सेमेस्टर में। तो नेक्स्ट, हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? एनीथिंग डैट यू कैन टच विद योर फिंगर्स। उसके बाद CPU होता है, इसमें ये उसके आगे टाइप्स बता दें कि हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। CPU भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, मोनिटर भी हार्डवेयर है, स्पीकर, माउस, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस चीज़ के जरिए, जिस मशीन या इक्विपमेंट के जरिए हम उनको कंप्यूटर को कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करो। लाइक अब हम कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जरिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। कैलकुलेटर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 4+4 कितना होता है। ठीक है, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, और वो हमें उसका जवाब निकाल के, प्रोसेसिंग करके उसका जवाब हमें 4+4 का 8 देता है। जो 8 है वो हमारे पास आउटपुट आ गया है। मीन अब हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कौन सी होंगी? हमारे पास एक तो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के जरिए हम सारी अपने इंस्ट्रक्शन PC को देते हैं, वो CPU में जाती है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट हमें मॉनिटर के जरिए मिलती है। ठीक है, माउस है, माउस के जरिए भी हम इनपुट दे रहे होते हैं, ये हमारे पास इनपुट आ गई है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? लाइक मॉनिटर है, मॉनिटर हमें दिखा रहा है कि जो वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर के अंदर, वो हमें आउटपुट दे रहा है, हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये आउटपुट है। प्रिंटर है, प्रिंटर भी हमें आउटपुट दे रहा है। स्पीकर है, स्पीकर हमें एज अ साउंड, जो म्यूजिक है वो सारा कुछ हमें म्यूजिक के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? लाइक CPU के अंदर हार्डवेयर होती है, SSD लगी होती है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कंप्यूटर छोटा प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। लाइक अब हम MS वर्ड पे हम चाहते हैं असाइनमेंट बनाना, तो कीबोर्ड से हम असाइनमेंट के बारे में, एक मिनट वेट, MS वर्ड पे हम कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जब हम MS वर्ड के ऊपर, ये MS वर्ड एक प्रोग्राम है ना, तो जैसे पावर पॉइंट है, जावा है, क्रोम है, जीमेल, ईमेल, ये सारी कोडिंग हुई है, वेबसाइट्स हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर्स हैं, लाइक ये सारा कुछ ना यहाँ पे हमारे पास PC में एक एज अ सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उनको लेते हैं, लेके उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें रिजल्ट देते हैं, आउटपुट देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अच्छा, कंप्यूटर के आगे नेक्स्ट पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए। CPU होता है, ये मेन, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसमें सारी चीज़ें लगी होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोला जाता है। ये फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, ये कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में ये सारी कीज दी होती है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद ये शिफ्ट होता है, ये कैप्स लॉक होता है। आप इसे मोबाइल पे अगर मीटिंग ज्वाइन की हो ना, इसे जूम करके देख लें कीबोर्ड को। ठीक है, जो लैपटॉप पे देख रहे हैं उनको साफ नज़र आ रहा है। और ये टैब का ऑप्शन है, ये हमारी फंक्शंस की है सारी। ठीक है, ये हमारे पास इंटर का बटन है, ये बैक स्पेस का, ये डेल का है, और ये हमारे पास आल्ट है, और ये हमारे पास कंट्रोल का बटन है। तो ये कीबोर्ड आपके सब लैपटॉप में सबके डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो माउस आ जाता है। माउस कीबोर्ड पे तो माउस, टच माउस होता है, वो मौजूद होता है, लेकिन लैपटॉप पे, ये कंप्यूटर पे देखेंगे तो इस तरह का माउस हमें नजर आएगा। और ये मॉनिटर होता है जो हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रिंटर भी आप देख रहे होंगे, प्रिंटर कई तरह के होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, ये मेरे पास कैनन का प्रिंट मैंने लगाया है यहाँ पे। तो एक ये स्पीकर आ गया है हमारे पास,
की आउटपुट देते हैं हम म्यूजिक साउंड के लिए। लैपटॉप में तो ऑलरेडी लगे होते हैं, कंप्यूटर के साथ भी आप लगवा सकते हैं और लग भी सकते हैं ऑलरेडी भी। ठीक है, ये एक कंबाइंड पिक्चर है हमारे पास, जिसके अंदर मैंने सीपीयू को ना निकाल के चीज़ें, सीपीयू के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनको निकलवाया हुआ है। ठीक है, सीपीयू के अंदर एक मदर बोर्ड होता है, ठीक है, कंप्यूटर केस, इसे सीपीयू को हम कंप्यूटर केस भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारा सिस्टम लगा होता है। तो ये कंप्यूटर केस के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे लगे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर एक्सपेंशन कार्ड लगे होते हैं जहाँ के ऊपर हमने हार्ड ड्राइव रैम्स वगैरह पुट करनी होती है। ये हमारे पास HDD जो होती है हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव की बजाय SSD अगर हम लगवा लें तो वो उससे लैपटॉप और हमारा PC थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है। ठीक है, और ये हमारे पास रैम होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, जो रोम होती है वो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है। तो ये रैम हम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की 8 GB 4 GB जितनी हम चाहे रखवा सकते हैं। PSU ये फैन होता है जो सिस्टम को हीट नहीं होने देता, ये लैपटॉप में भी लगे होते हैं। CPU कूलर भी लगा होता है। ठीक है, ये CPU हमारा होता है जो इसको सेंट प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं, एक कंप्यूटर केस के अंदर होता है। ठीक है, और बाकी ये वही पार्ट्स हैं जो अभी मैंने शुरू में डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू, ये हमारा आज का ये इतना लेक्चर नहीं था, ये जस्ट मैंने आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताया है। ये हमारे पास इसका पैनल आ गया है, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर उसको देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये तीन लोअर हैंड, इरफा फातिमा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। नो सर। किस चीज का डिप्लोमा आप आसफा पूछ रही हैं? कंप्यूटर कोर्स का? दी नमल एकेडमी मेरी सिटी में, मैंने बताया तो है, हमारे दोस्त थे उनके सारे, तो वो फिर मेरे भी थोड़े से फ्रेंडली दोस्त बन गए, तो उनसे मैंने डिप्लोमा कोर्स किया। फिजिकली किया, ऑनलाइन नहीं किया, एकेडमी से और गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट वाला है मेरे पास, जैसे कि VIT से हम करते हैं। बस बस सुन रहे हो आप मेरी बात? और सादिया रमजान आप कह रहे हो लैपटॉप पे आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक लैपटॉप पे आपने अपना स्पीकर या उस तरह का आवाज़ बंद की होगी। आप इस तरह का मोबाइल पे ज्वाइन कर लें और हैंड फ्री लगा लें, या फिर लैपटॉप पे हैंड फ्री लगा लें तो आवाज़ आपको आ जाएगी। ठीक है, इर्तिका हसन आपको भी आवाज़ नहीं आ रही है, अब आप दोनों को नहीं बस आवाज़ आ रही, बाकी सबको आ रही है आई थिंक। बाकी मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर जब सुनूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। और अभी जिन्होंने हैंड रेस किया वो अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर आगे हम MS Word को, पावर पॉइंट को और एक्सेल को देखते हैं, और फिर उसके बाद जो मैंने कल आपको बताया था सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि 2016 वाला हमने यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपके पास? हाँ ठीक है, इसका ओके। हैंड रेज इकरा मुबारक जी, पूछें क्वेश्चन, माइक म्यूट अनम्यूट करें और पूछें। इकरा आवाज आ रही है आपको? चलिए आई थिंक नहीं है ये यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बताया था Get into PC से, मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए बोला था, आप लोगों ने कहा कि वो बहुत स्लो डाउनलोड होता है, तो वो उसमें एक आप लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर होंगे ना पहले से मौजूद होंगे, लाइक अब मेरे पास ही 2016 का ही है मेरे पास भी MS Word। मैं ये MS Word को ओपन कर रहा हूँ फिलहाल, ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब आप लोग जो ओपन करोगे ना, आप लोगों के जो लैपटॉप में ऑलरेडी मौजूद हो गए, ये 2016 का है जो मैंने आप लोगों को सेंड किया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016। उसामा क्लास में मौजूद है? जी जी सर। उसामा और आईना क्लास में मौजूद है ना कदीर? जी जी सर। तो उसामा को भी मैंने इंस्टॉल करवाया गूगल मीटिंग पे, और ऐना कदीर को भी करवाया, अगर दोनों मीटिंग में तो है। हाँ उसामा, आप बताइए इनको कि आपने इंस्टॉल कर लिया ना इजीली, कोई मुश्किल तो नहीं आई? क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारी तरफ इंस्टॉल भी नहीं हो रहा और डाउनलोड भी नहीं हो रहा। जी जी, इंस्टॉल हो गया था इजीली, बिल्कुल। हाँ इजीली हो गया था, चले ठीक है।
क्योंकि जो दूसरे कुछ स्टूडेंट के ना लैपटॉप में एमएस ऑफिस 2020 वाला होगा या 28 वाला होगा या 21 वाला होगा या 2023 वाला होगा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ऑनलाइन चलते हैं। मीन के मेरे पास भी पहले था, आई थिंक अभी भी होगा, ये मेरे पास नहीं है। मैंने ना उसको अनइंस्टॉल कर दिया था, मेरे पास था पहले, ये मेरे पास 2016 का है, 2016 वाला है। तो ये ऑफलाइन है, ये मैंने ना किसी, मेरे पास ऑलरेडी पहले डाउनलोड था नहीं, मैं पहले सोच रहा था कि आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूं, लेकिन व्हाट्सएप पे फिर आप लोगों से डाउनलोड नहीं होना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ गेट इनटू पीसी से। अच्छा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं। पे हमने क्रोम पे जाना है जस्ट, ताकि आप सबको पता चल जाए। यहाँ पे आप लोगों ने गेट इन टू पीसी पे वेबसाइट पे जाना है, बल्कि वो लिंक आपके पास होगा, वो लिंक मुझे यहाँ पे सेंड करना है। एक कोई रुको, मैं खुद ही सेंड कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ से पे इन कॉल मैसेज पे जाकर ना हम इसको कॉपी कर लेंगे। नहीं मैं बात सुन, मैं ना आपने गूगल फॉर्म साथ दिया रमजान, हमने गूगल फॉर्म आपको सेंड किया, वहां पे आप अपना नेम सही रखिएगा, वही आपको उसी के मुताबिक सर्टिफिकेट इशू होने हैं कोर्स के बाद, ठीक है? वहां पे आप नूरम साथी लिखिएगा ना, तो सर्टिफिकेट पे वही होगा। आप टेंशन नहीं लें, अभी से सर्टिफिकेट की टेंशन पड़ गई है, सीख तो लो कुछ। पहले मेन चीज आपका जो होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो यही कहते हैं कि हमें जस्ट सर्टिफिकेट मिल जाए, चाहे आता कुछ भी ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सर्टिफिकेट मेरे पास इतने मेरे पड़े हैं, अगर मुझे कुछ आता ही नहीं होगा तो हम सर्टिफिकेट का मैं क्या करूंगा। तो इसलिए सर्टिफिकेट की टेंशन नहीं लिया करें, वो आपको मिल जाएंगे सबको इंशाल्लाह, उम्मीद है। अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, अपनी असाइनमेंट टाइम पे देंगे और अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? और सेकंड ये कि है ना, आपसे मैंने पूछा था कि आपको भी हमने इंस्टॉल करवाया था, आपने बताया ही नहीं। लिंक इधर कोई अपलोड कर देगा कि मैं खुद ही करूँ? चलो मैं खुद करता हूँ, वेट करें। आपका क्या नाम है आपका? अदीना, आपने कहाँ पे किया था पहले? जी सी आर पे आपका साइन इन है ना पहले से गूगल क्लासरूम? आपको जो लिंक मैंने सेंड किया उस पर क्लिक करें, जी सी आर में ऑटोमेटिकली क्लास ज्वाइन हो जाएगी। या मैं मोबाइल पे आप जी सी आर को इंस्टॉल कर लें, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, ठीक है? और वहाँ पे मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूँ कैसे लगानी है, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ ये लिंक आमना कदीर ने सेंड कर, वैसे मैंने इधर से कर लिया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक किया तो ये इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है? इंटरफेस आने के बाद आप लोगों ने नीचे जाना है, जी सॉरी मैं 2 मिनट के लिए म्यूट किया था। अच्छा नेक्स्ट हमने ये लिंक जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है? आप लोगों ने सिंपल ये 32 बिट पे क्लिक करना है, ठीक है? ये क्लिक मैंने कर दिया, यहाँ पे ये यू कैन स्टार्ट योर डाउनलोडिंग इन 8 सेकंड। यहाँ पे आपने ये जो लिखा है आई गेट नीड टू पीसी, इसको कॉपी करके आपने सेव कर लेना, ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है? यहाँ से आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। और इस पे टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तकरीबन इसके अंदर 5 से 6 सॉफ्टवेयर हैं। आप उसामा से और एना से पूछ सकते हो, ये बल्कि ये तो मेरे पास इंस्टॉल है, ये देखिए इसमें सॉफ्टवेयर बताता हूँ कौन सा है। एक ये है, एक ये, दो एक्सेल, उसके बाद
नोट पैड 3, पब्लिशर 4, वर्ड 5, पावर पॉइंट 6, एक्सेल 7, 7-8 इसके अंदर सॉफ्टवेयर तकरीबन है और जो, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मेरा ना डाउनलोड होने लग गया है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह, फिर भी अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अटेंडेंस कैसे लगा करेगी, मैंने फर्स्ट सबसे पहले अटेंडेंस लगाना ही बताया था। ये देखें, आपने GCR पे जाना है, सिंपल लैपटॉप पे अगर आप लोगों का GCR अकाउंट साइन इन है तो आपने लैपटॉप पे ऐसे GCR को ओपन कर लेना है। ये मेरा ऑलरेडी साइन इन आ गया है, तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर कोर्स वाले क्लास को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये अटेंडेंस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट का शो हो रहा है, ये 14 बच्चों की आ गई है, ठीक है। आपकी तरफ यहाँ पे एक जिस तरह हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता उस तरह का ऑप्शन आएगा, मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपने क्लिक करके हैंड इन कर देना है, हैंड इन कर देना है, तो वो आ जाएगा। ये सारे प्रेजेंट है तो इनको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ इनके अटेंडेंस मार्क हो गई है। टोटल कितने बच्चों की होगी, 14 की होगी, 14 ने अभी तक मार्क नहीं की, ठीक है क्लास। अब बाकी इंशाल्लाह जैसे मार्क करोगे तो वो सबकी फिर अटेंडेंस लग जाएगी। ये बाकियों ने नहीं, इर्तिका ने भी नहीं लगाई अभी तक, उसके बाद बाकी भी काफी ज्यादा बच्चे पढ़े हैं, अभी सब लगा लोगे ना तो बेस्ट हो जाएगा। ये GCR का था हमारा, सर मैंने लगा दिया अपने दूसरे ईमेल अकाउंट से। Sixty-four bit पे भी कर सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप या पीसी है जो अच्छा है तो उसकी रैम अच्छी है, आपकी जनरेशन अच्छी है लैपटॉप की। थोड़ा सा 64 पे हैवी काम हो जाता है ना तो उसका कोई मसला नहीं है। अब 32 पे कर लें या 64 पे करें वो आपकी अपनी मर्जी है। तो चीज़ें दोनों सेम ही हैं, बस फाइल का डिफरेंस है साइज का थोड़ा सा, और कोई मसला नहीं है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, GCR उसका बता दिया है, अब नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। क्या सवाल था अभी आपका है? हाँ, ये फॉर्म ये मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है, वहां पे मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, गूगल फॉर्म है वहां पे आप दोबारा से ना उसको सेट कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने वर्ड को ओपन कर लिया था, हमारे पास ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। थोड़ा सा एमएस वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा सिर्फ आज पढ़ेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल वाली क्लास में। आज हम जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही फैन की वजह से? तो हम फैन बंद कर देते हैं। ये हमारे पास एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इसका इंटरफेस इस तरह का कुछ नजर आ रहा है। मैं फैन बंद कर दिया ताकि आपको ना वॉइस रिकॉर्डिंग में इशू ना आए। हमारी रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रही है, देखता हूँ कहीं रिकॉर्डिंग ना हो रही हो रही है, ठीक है। तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे टूल्स वगैरह यहाँ पे आ गए हैं, सारा इंटरफेस आपको नजर आ गया। ये हमारे पास पेज है, इसको पेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास पेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहला ऑप्शन फाइल का है, के फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया, लाइक अभी मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया है, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने इसको 72 पे कर लिया, ठीक है। ये अब हमने लिख लिया, अब फाइल पे चलते हैं। हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे जो शुरू से जो चीजें ना उसको देखते हैं। ये मेन मेन चीजें, इनको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा बस देख लेते हैं ये क्या होती हैं। इन्फॉर्मेशन में फाइल में जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि प्रॉपर्टीज आ जाएंगे उस डॉक्यूमेंट के बारे में, कि उसका साइज कितना है, पेजेस उस पे कितने हैं। एक पेज हमने ओपन किया तो उसका एक पेज आ गया डिटेल। वर्ड कितने गया, एक। अब हम जाते हैं असाइनमेंट, हमने कितने वर्ड्स पे बनानी, कितने पेजेस पे बनानी है। तो वहाँ पे आप असाइनमेंट जब बना रहे होंगे यहाँ पे वर्ड पे, तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितने वर्ड हैं। वैसे यहाँ पे ये वर्ड यूज हुए नजर आ रहे होते हैं, यहाँ पे ये नीचे
लेफ्ट बॉटम पे, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर्टीज में जाके भी वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। टोटल एडिटिंग टाइम यहाँ पे कितनी देर होगी, इसको ओपन किए हुए ये टाइम दे देते हैं, टाइटल क्या है, टैग्स कौन से देने हैं, कमेंट्स यहाँ पे कौन से करने हैं ऐड, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये मॉडिफाइड ये अभी सिर्फ मैंने ही ओपन किया, तो यहाँ पे से मेरा ही नेम आ रहा है, अब्दुल रहमान ये ऑथर मैं हूँ क्योंकि ये मैंने बनाया है। तो इसके बारे में अगर मैं किसी यहाँ पे प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन है, प्रोटेक्ट में ये चार पांच ऑप्शन आ जाते हैं। मार्क एज फाइल, कोई टीचर आपसे असाइनमेंट लेता है तो वो यहाँ से मार्किंग कर सकता है, ठीक है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इनक्रिप्टिव जो पासवर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। आप देखते हैं पीडीएफ को पासवर्ड लगे होते हैं, एमएस वर्ड की फाइल्स होती हैं उनको भी पासवर्ड लगे होते हैं, तो वो यहाँ से लगाए जाते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो। लाइक अभी हमने रिसेंटली विनर पे देखा था सॉफ्टवेयर ओपन करना, तो वहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ था, वो यहाँ से एमएस वर्ड की अगर कोई फाइल होगी लाइक पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल की फाइल हो गया, असाइनमेंट हो गई, पीडीएफ, एमएस वर्ड पे जो भी फाइल बनी होगी ना, मतलब पावर पॉइंट का अलग से, उसमें भी ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो इसलिए कह रहा हूँ वो यहाँ से नहीं लगेगी, लोग वो वहां से लगेगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप इस अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहते हो एडिटिंग कौन कौन कर सकते हो, आपकी ये फाइल है, अब आप चाहते हो यहाँ पे एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, सिर्फ इसको एक ही ईमेल वाला बंदा एडिट कर सके, बाकी कोई भी इसको एडिट ना कर सके, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा एडिटिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट फाइल और इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या है, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, हम चाहते हैं कि किन को हमने एक्सेस देनी है, किन को एक्सेस नहीं देने, तो वो यहाँ से कंट्रोल होगा, ठीक है। आप जब फाइल इसको शेयर करोगे अपने क्लास फेलोज के साथ या टीचर के साथ, तो वहाँ पे आप अगर उनकी सिर्फ ईमेल लगा दोगे ना, तो सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकेंगे इसी पीडीएफ को, सिर्फ वही ओपन कर सकेंगे। एमएस वर्ड की फाइल है तो वर्ड की फाइल को सिर्फ वही ओपन कर सकेगा जिसको आपने परमिशन दी होगी। आगे ये डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर भी आप इनमें ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमने नहीं करना, जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे, कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हम ये सिग्नेचर वगैरह ऐड करेंगे और प्रोटेक्ट वाला डॉक्यूमेंट ये सारा इसको हम ना यूज भी करेंगे, ठीक है। आगे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में होता है कि जब हमने कोई भी हमारा हमने आर्टिकल लिखा है या कोई हमने थीसिस लिखी है एमएस वर्ड पे, हम चाहते कोई कॉपी ना करे, उनको पब्लिश करने से पहले आप लोगों ने उस फाइल को देखना होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ऑथर्स नेम, सारा कुछ। यहाँ से आप इश्यूज वगैरह चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हो, जो लाइक अब आपने ये वाला फाइल किया है, ये वाला बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएस वर्ड पे ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रहा था, तो अचानक से लाइट गई, लैपटॉप बंद हो गया या उसकी बैटरी लो हो गई, तो ये बंद हो गया। अब इसको जब हम दोबारा ओपन करेंगे ना, तो लाइक इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो वहां से अनसेव किया हुआ भी आपकी तरफ से वापस आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और जो आप लोगों ने अनसेव डॉक्यूमेंट है आपके पास, लाइक न्यू में ओपन में जाएंगे ना, तो कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट अनसेव भी पड़े होंगे, जो अनसेव होंगे आपके मतलब यहाँ पे तो मौजूद होंगे लेकिन लैपटॉप के अंदर आपके पास सेव नहीं होंगे, उनकी फाइल ओरिजिनल सेव नहीं होंगी, तो वो वहां से आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये था हमारा इंफॉर्मेशन में। न्यू में क्या है, न्यू में हम ये कि डॉक्यूमेंट कोई भी न्यू हम ओपन कर सकते हैं, हम ब्लैंक पे चाहिए ब्लैंक पे ले सकते हैं, अगर हमने ये देखें ब्लैंक पेज ओपन हो गया है एक न्यू, ठीक है, इसको हम ओपन कर दिए, पहले वाले ठीक है हमारे पास अभी तक। तो न्यू में हम जाएंगे तो न्यू में हमारे पास ये फॉर्मेट टेम्पलेट भी आ जाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्पलेट है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। 2016 में यही फॉर्मेट है जिसके अंदर ये सीवी का फॉर्मेट आ जाता है, लेटर हेड का आ जाता है, उसके बाद कवर पेज का, इस तरह के ये डिजाइन वगैरह आपकी तरफ शो हो रहे होंगे, तो आप देख रहे हैं इन्विटेशन कार्ड हो गया, पार्टी का ये, सर्टिफिकेट का भी हो गया, ये लेटर पैड हो गया, इस तरह की चीजें आप लोगों को फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, बिजनेस रिलेटेड चाहिए बिजनेस रिलेटेड मिल जाएंगे, सारे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे ना, जिस तरह का भी आप फॉर्मेट चाहते हैं ना अपने असाइनमेंट बनाने के लिए, कोई भी कुछ भी बनाने के लिए, तो यहाँ पे अवेलेबल है इजीली, ठीक है। ये हम जब बनाएंगे ना, कार्ड्स का चाहिए, फ्लायर बनाना हो मतलब के बिजनेस कार्ड, पोस्टर बनाना हो यहाँ पे मिल जाएगा, लेटर्स बनाने हो, लेटर कार्ड जो होते हैं वो बनाने हो, वो यहाँ से मिल जाएगा, ये लेटर्स में जाएंगे तो,
ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर लेंगे तो ये ऑफलाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एजुकेशन रिलेटेड जो हम असाइनमेंट बनाते हैं, ये असाइनमेंट के रिलेटेड आ गया कि आपको कोई ऐसे टॉपिक मिलता है असाइनमेंट, ये वाला बहुत अच्छा है साइंटिफिकली, ठीक है, क्लियर रिलेटेड। उसके बाद ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, तो इस तरह करके आप कोई भी अपनी तरह से ना न्यू ओपन कर लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो ब्लैंक से आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। ओपन वाले ऑप्शन में ये है कि आप यहाँ ऑलरेडी जो वर्क किया हुआ आप लोगों ने, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो, अपने ऑलरेडी जो आपने वर्क किया पुराना कोई। अब लाइक देखो ये मैं स्किल्स वाला ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये स्किल्स वाला मेरे पास पड़ा ही नहीं आई थिंक, तो हम और कोई देख लेते हैं डॉक्यूमेंट जो हमारे पास सेव होगा या अनसेव था, आगे वाले ये देख लेते हैं। फाइनली रिमूव डिलीट, अच्छा ये ना मैंने फाइल से डिलीट किया है तो इस वजह से ओपन नहीं हो रहे, ये यहाँ से हम ये वाला ओपन कर लेते हैं, ये भी नहीं पड़ा हमारे पास। दरअसल ना मैंने यहाँ पे ईमेल नहीं लगाई हुई, ईमेल लगी हो ना, ये साइन इन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों की तरफ, तो यहाँ पे अगर साइन इन अकाउंट कर लेंगे ना, कल मैं साइन इन कर लूंगा, मेरे पास अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लूंगा, फिर वहाँ पे जो भी मेरे पास चीजें सेव होगी ना वो वहाँ से आप फाइल अपने पहले वाली को ना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव सेव एज ये हम बाद में देखेंगे जब हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट, एक बना लेंगे ना फिर वहाँ से सेव वगैरह करना है। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। ये मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट का यहाँ से जूम और जूम आउट करके हम साइज बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास कीबोर्ड है, यहाँ से शॉर्टकट कीज है कॉपी के लिए जो हम यूज करते हैं, COPY कॉपी के लिए जो हम यूज करते हैं शॉर्टकट की, वो ये है कि कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस, आपको पता होगा लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए, कंट्रोल प्लस C, ये हमारे पास शॉर्टकट की है कॉपी के लिए, ठीक है। आगे कट के लिए जो यूज करते हैं वो भी देख लें, कंट्रोल प्लस X कॉपी किया कंट्रोल C करके, यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे X कर देंगे। आगे हमारे पास पेस्ट के लिए जो यूज करते हैं हम PASTE पेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम V कर देंगे कंट्रोल प्लस V, ठीक है क्लास। ये तीन शॉर्टकट कीज हैं, कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, अच्छा सिलेक्ट ऑल के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल सिलेक्ट ऑल के लिए जो सिलेक्शन हम करते हैं, ठीक है, SELECT सिलेक्ट ऑल हम सिलेक्ट, हमने कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट हम चाहते हैं कि सारे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हम मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये है कंट्रोल ए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए आएगी, ठीक है क्लास। अब ये देखें कंट्रोल ए करूंगा तो ये सारा सिलेक्शन हो जाएगी, थोड़ा ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, यहाँ पे ये मैंने 60 कर लिया, अब आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। ये आज की आपकी शॉर्टकट कीज हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे होगा तो उसको कॉपी कैसे करना है, कंट्रोल प्लस सी को क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, अगर हमने उसको कट करना हो तो कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस वी करेंगे, अगर हमने सिलेक्शन करनी हो सारे डॉक्यूमेंट की तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दरअसल वैसे अगर हम इसको वैसे भी कॉपी कर सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे कॉपी नहीं कर सकते, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कट का भी ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट का भी ऑप्शन कॉपी करेंगे, लेकिन हम इसको सिंपल कंट्रोल सी करेंगे ना तो ये देखें कंट्रोल सी मैंने किया ये कॉपी हो गया, इंटर करेंगे कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें पेस्ट हो गया, तो ये इस तरह भी हो सकता है, ओके ये मैंने बैक स्पेस करके डिलीट कर दी है। आज के लिए हमने जस्ट इतना ही देखना था,
हम अब नेक्स्ट हम इसके जो नेक्स्ट होगा सेकंड लेक्चर, उसमें हम होम का ये जो सारा फंक्शन ये है ना, ये वाला ऑप्शन, ये सारे कल हम टूल्स देखेंगे, उसके बाद फिर इंसर्ट वाला देखेंगे। इस वीक हमने जस्ट एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, और नेक्स्ट वीक एमएस वर्ड के ऊपर हम असाइनमेंट और डिजाइन करेंगे कि वो कैसे सारी चीजों को यूज करना है, और इसके बारे में नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप लोगों में से किसी ने नोट्स लेने हो वो भी बता दीजिएगा, नोट्स में आप लोगों को दिखा दूंगा, उसमें सारी शॉर्टकट कीज दी हुई है वर्ड की भी, पावर पॉइंट की भी, और उसकी भी एक्सेल की भी, ठीक है, सारी मैंने वहां पे शॉर्टकट कीज ना सारी दी हुई है। और नेक्स्ट आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं वैसे देख लेता हूँ खुद ही इन कॉल मैसेज पे जाके, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको जवाब देते हैं फिर। समझ लग गई आप सबको, हैंड रेज कर दें जिन जिनको समझ आई है आज के लेक्चर की। अच्छा ये नहीं समझना कि हम बहुत शॉर्टली और थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, ये स्लो नहीं है, ये बहुत इनफ है आपके लिए, फर्स्ट है ना लेक्चर, तो इसलिए अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे ना तो आप लोग कहोगे सर जी बस कर दें इतना काफी है, तो वो ऐसे नहीं होगा, आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाना है वो आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट अटेंडेंस की समझ नहीं आई वो मैंने बता दी आपको, बाकी आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा उसमें पता चल जाएगा। हाँ मैंने फैन ऑन कर लिया था, मुझे गर्मी लग गई थी। हाँ अटेंडेंस का मैंने बता तो दिया है यार आपको, आप मोबाइल पे वास्पा आपका नाम तलाल ऐसे, चलो मैं आपको इनबॉक्स में बता दूंगा तलाल, आप मुझे मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे अटेंडेंस लगानी है। आप अपना गूगल क्लासरूम लैपटॉप पे ओपन कीजिएगा, माइक म्यूट रखें एक दफा, मैं पहले इनको मैसेज पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। वास्पा आपका क्या क्वेश्चन है पूछे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप जब ग्रामरली ओपन करते हो तो ग्रामरली जो है वो वर्ड के ऊपर ओपन हो जाती है, यानी जैसे एक्सटेंशन हो जाती है, तो वो मैंने एक तो वो मेरे पास शायद वर्ड पुराना था तो तब मेरे पास वो ओपन नहीं हुआ, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आप इंस्टॉल करवा रहे हैं उसके ऊपर क्या ये ऑप्शन हो जाएगा ग्रामर, ये व्यू में जब आप जाओगे ना, इधर देखें मैंने स्क्रीन शेयर है ना मेरी आपकी तरफ, ये व्यू में जब जाओगे यहाँ पे सारी चीजें आप ग्रामर मिस्टेक सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं। एक मिनट में रिव्यू, हमारे पास अब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ। लाइक आप देखिए अब राइट के स्पेलिंग हम गलती लिखते हैं यहाँ पे ना जी, ये स्पेलिंग ठीक है एक मिनट का, ये कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे ये देखें शट डाउन के स्पेलिंग लाइक है, तो ये शर्ट के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो ये अब आ गया ना ये रेड कलर का लाइन आ गई रेड कलर की, ठीक है, ये यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक एफ, जिसके ये देखें ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे ये देखें ग्रामर ऑटोमेटिकली आ गई, हमें शर्ट लिखना था ये शर्ट का ऑप्शन आ गया, अब यहाँ से हम चेंज कर देंगे। और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जब एक पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ना, कोई 5,000 वर्ड का भी डॉक्यूमेंट होगा, तो एक जगह पे शर्ट की मिस्टेक है ना, तो एक को सिलेक्ट करके आप तमाम जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना पूरे डॉक्यूमेंट में वो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक एक करके आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, यह बिल्कुल ठीक है, ठीक है ग्रामर मिस्टेक आपकी ये ठीक होगी। अब मैं दोबारा से इसे गलत कर लेता हूँ, देखे गलत रॉन्ग हो गया, वाजपा समझ आ रही है आप लोगों को, वैसे ये ना हमारा टॉपिक आगे रिव्यू में था, आपने अभी से क्वेश्चन कर लिया तो ये चीज नहीं करनी आपने नेक्स्ट टाइम, ठीक है सर, ये आपको जी जी क्या पूछ रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ग्रामरली ऐप जो है उसका मैं पूछ रही थी कि उसकी जो एक्सटेंशन हम वर्ड के अंदर ऐड करते हैं तो वो हो जाएगी इसके अंदर, मैं ये हाँ, तो वो एक्सटेंशन आप कोई भी ऐड कर सकते हो, क्रोम पे भी कर सकते हो, एमएस वर्ड पे भी कर सकते हो, वो आपने पहले कैसे ऐड की थी एक्सटेंशन, वैसे मैं ऐड की नहीं तभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं सर, वो जब मैंने की थी तब उन्होंने उसमें मेरा ऑप्शन था कि मेरा जो वर्ड है वो पुराना यूज हुआ पुराना है, तो उसके लिए आपको नया वर्ड जो है ये 2016 का है, ये 2016 का, तो इसमें तो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है एक्सटेंशन, ये देखे ना ग्रामर मिस्टेक उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। चलिए ठीक है सर, मैं दोबारा ट्राई करूंगी फिर। नहीं नहीं आप अपना क्वेश्चन को क्लियर करें, इस तरह नहीं करना, आपने मुझे बताया आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एक्सटेंशन हम कर सकते हैं कि नहीं,
हाँ जी सर, ऐसा बस कह वो मैं रहे ये हो ना? पूछ रही जेके वो जो तो ग्रामरली आप ऐप ये देखे है ना, ना मतलब वो ग्रामरली ऐप यहाँ पे इसमें लिंक हो जाएगी, कोई मसला नहीं, हो जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे इसमें ऑलरेडी जब ये चीज हमारे पास मौजूद है, ये देखें ये हमारे पास मौजूद है, अगर यहाँ पे हमारा वो वाला ऑप्शन नहीं आता तो हम यहाँ से गूगल करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखे ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ से कोई भी लैंग्वेज आप यूज करके उसको सेट कर सकते हो अपने वर्ड को, जो भी आपका वर्ड होगा, ठीक है। जी वैसे जी ठीक ग्रामर वाला उन्होंने खुद दिया हुआ है ये, आगे नेक्स्ट इसमें ट्रांसलेशन भी दी हुई है, लैंग्वेज भी दी हुई है, ये सारा कुछ इसमें ऑलरेडी मौजूद है। 2016 वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा ये कि यहाँ पे ऑफलाइन चलता है, ये तो अभी मैंने ऑनलाइन चलाया हुआ ना, ये आप जब नेट नहीं भी होगा तो आपका ये ऑफलाइन वर्क करेगा, मतलब कि ऑफलाइन आप इसको चला सकते हो, इसका ये फायदा, इसलिए मैंने वो इंस्टॉल करवाया। अदरवाइज अगर आपके पास पहले वाला 2020 वाला, 21 वाला या 2008 वाला है तो उसका कोई मसला नहीं, अगर वो ऑफलाइन चलते हैं तो उन्हें चलाएं। उसमें ये है कि आपकी जो ये होंगी ना टूल्स होंगे वो उसमें कम होंगे, लाइक इसमें शायद आपका ग्रामर है तो इसमें एडिटिंग का नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होती है इमेज की, ट्रांसपेरेंसी होती है, इंसर्ट पे जब जाएंगे तो पिक्चर जब ऐड करेंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी होती है, वो कुछ जो वर्ड पुराने हैं ना उनके अंदर कैपेसिटी हम लोग नहीं कर सकते, समझ लग रही है ना इस बात की। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा एडवांस करवाया था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं। मैं 2008 वाला भी करवा सकता हूँ, 12 वाला भी, जो भी मतलब के पुराने सॉफ्टवेयर हैं, और जो आप न्यू वाले तो फिर ऑनलाइन चलते हैं, उनमें तो काफी ज्यादा हमें उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई है, मतलब कि उनके अंदर तो AI टूल भी आए हुए हैं कि आप AI के जरिए सारा काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो, आज पर क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? जी सर, मेरा हो गया। अच्छा, अटेंडेंस का मैंने बता दिया है आपके पास, तो कि अगर वो मुझे दिखा सकते हैं आप स्क्रीन शेयर करके क्लास के एंड पे, सादिया रमजान दिखा सकती हैं? ठीक है, आप मुझे वो दिखा दीजिएगा। हाँ ठीक है, तलाक ठीक है सर, थोड़े से ओल्ड वाली है ना, आप 2016 मूव करें ना, थोड़ा सा 2016 वाला करें, अगर 2013 पे आपको थोड़ा बहुत उसका आता है काम उस पर करना, तो उसमें ये है कि कुछ चीजें टूल्स वगैरह डिफरेंट होंगे, तो हमारे ये लेक्चर्स जो रिकॉर्डिंग लेक्चर 2016 पे हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आप ना यहाँ पे बता दें मुझे 2016 वाला कर लें तो बेहतर होगा। तलाल हसन, ऐसा ना हम ना AI वेरिएंट को नहीं यूज करना, हमने सिर्फ बेसिकली 1 मंथ का कोर्स है, ये लॉन्ग कोर्स नहीं है, जस्ट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इजीली अपने असाइनमेंट प्रेजेंटेशन डेटा एंट्री कर सके और फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सके, ताकि बच्चों को लोगों को असाइनमेंट बना के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके, फाइवर पे भी अकाउंट बना सकते हो आप, ये बड़ा काम है आजकल ना बच्चों का, असाइनमेंट बच्चे खुद नहीं बनाते दूसरों से बनवाते हैं, तो ये काम सीख लें, अच्छी बात है। कंप्यूटर के बारे में वैसे भी आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जो आगे जो दौर है ना कंप्यूटर का ही दौर है, आप सबको पता है इस बात का। अभी जो सुबह टाइम दो स्टूडेंट को करवाया, उनको कुछ चीजों का पता ही नहीं था कंप्यूटर में कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इसलिए ना आप लोगों को मैं सेटिंग्स भी बताऊंगा, हमारी लैपटॉप के अंदर जो सेटिंग्स पैनल है वो भी बताऊंगा, उसके बाद हम विंडो कैसे इंस्टॉल करवाते हैं वो भी, 1 मंथ के अंदर हमने सारा कवर करना है, अगर 1 मंथ से ऊपर भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से मैं ना कवर करवा दूंगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा रिकॉर्डिंग का तो फिर वो मसला बनेगा।